वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं और खुश भी हैं। मैं आप सबकी लंबी उम्र और सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक रेसिपी जो है तो बहुत आसान, लेकिन प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इधर आप देख रहे हैं, ये है दाल, ये है एक्चुअली मसूर की दाल, साबुत वाली, जिसमें कि छिलका भी होता है। और जैसे कि आप जानते हैं, जितनी भी साबुत दालें होती हैं, खासकर मसूर हुई या मूंग हुई, ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं या जो नॉन वेज छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग इस प्रकार की रेसिपीज बना सकते हैं। तो रात में मैं जब भी दाल बनाती हूँ, तो दाल में हमेशा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि सुबह को उसका पराठा बनाया जा सके। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम इसका झटपट से कैसे पराठा बनाएंगे। ऑलरेडी दाल में प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर वगैरह, अदरक सब, लहसुन मिले हुए हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने लिया है आटा, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फिलहाल इन दिनों लॉकडाउन है, तो हमारे यहाँ पे अभी सब्जियों की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मैं आज सादा ही पराठा बना रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं क्या करना है। मैं पूरी की पूरी दाल को इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने तेल मिला दिया है, तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाता है। हमने इसमें पानी नहीं मिलाना है, जब तक कोशिश हो दाल में ही हमने इसको गूंदना है। तो दाल को हम आटे में गूंद रहे हैं और ये देखें, काफ़ी टाइम पे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो रही है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे, पराठा सॉफ्ट बने इसके लिए तेल तो पहले ही मिला दिया है। ये देखें, अच्छे से गूंद रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि पूरी की पूरी दाल में हम इस आटा को गूंद सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के फिर गूंदने की कोशिश करते हैं। आटा को ऐसे ही थोड़ा गूंद के हम कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। ये हमने कवर से आटा को ढक दिया है। दरअसल मेरे ये दोनों रिस्ट फ्रैक्चर्ड हैं, तो मैं आटा ऐसे ही गूंदती हूँ और बड़ी आसानी से मैं गूंद लेती हूँ। यह मैं एक और टिप भी बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, या जो लोग अपने हाथों को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, या गठिया की समस्या है, तो लोग ऐसे आसानी से आटा गूंद सकते हैं। बस हल्का सा मिक्स करके पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख दें और गूंधते समय थोड़ा ऑयल मिला दें, तो इससे उन लोगों का आटा भी अच्छा हो जाता है और खाना भी, फुलके भी सॉफ्ट बनते हैं और हाथों को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है। खासकर लेडीज़ में गठिया की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है, गाउट हो गया या रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, या किसी भी तरीके से हाथों पर कोई फ्रैक्चर है पुराना या कोई इंजरी है और आटा गूंधने में दिक्कत होती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर समय फैमिली मेम्बर्स किचन में आएँ और हमारी हेल्प करें। तो ये आइडिया मेरे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। आई होप ये आइडिया व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, उनमें से कोई ज़रूरतमंद है तो उसके भी काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारा आटा जो अच्छे से तैयार हो चुका है और इसका कलर भी अभी ब्राउन हो गया है। तो
फ्रेंड्स, तवा हम गरम कर चुके हैं और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। Thank you.